कोरोना के संकट से लड़ने के लिए ऐसे ही नए प्रयोग पूरे देश में किए जा रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है शहीद भगत सिंह सेवा दल। कोरोना से मरने वालों का शव उनके परिवार वाले भी लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन इस संगठन के लोग कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करते हैं। ये पैर थिरक रहे हैं ताकि कातिल कोरोना से जंग का जज्बा कमजोर ना पड़े। ये ठुमके लग रहे हैं ताकि महामारी से लड़ने की मुहिम नॉन स्टॉप जारी रहे। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो जान जोखिम में डालकर उन कोरोना पीड़ितों की मदद करते हैं जिन्हें घर वालों और रिश्तेदार तक बेसहारा छोड़ देते हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो या कोरोना का शिकार होकर जान गंवाने वालों को शमशान पहुंचाना हो, शहीद भगत सिंह सेवा दल 24 घंटे तैयार रहता है। जब पूरा देश जो है वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, उस समय ये जो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से डांस कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सबका जो एनर्जी बूस्टअप करने के लिए ऐसा कराया जा रहा है। ये शहीद भगत सिंह सेवा दल है जो कि फ्री एम्बुलेंस पूरे दिल्ली शहर में चलाते हैं। कोरोना संक्रमण जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, उस दौरान जब एम्बुलेंस जो है वो नहीं मिलती है तब ये शहीद भगत सिंह सेवा दल जो है वो जो बॉडीज ऐसी उठा रहा है हॉस्पिटल से और उनको कब्रिस्तान या शमशान घाट तक पहुंचा रहा है। शहीद भगत सिंह सेवा दल का ये मिशन 21 मार्च से शुरू हुआ है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने 40 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है और 23 डेड बॉडी को अस्पताल से शमशान घाट और कब्रिस्तान ले जा चुके हैं। बहुत बुरा कोरोना का जो समय आया है जिसमें बच्चे भी अपने पिताजी की बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने रोका कि शंटी जी बहुत छूत की बीमारी है, जान भी जा सकती है, आपके ड्राइवर आपके जितने वॉलंटियर्स हैं ये दिन रात लगे हैं। मैंने कहा जी अगर 25 साल सेवा करी हमने देश की शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से और आज एक ऐसा भयानक समय आया है देश के अंदर और आज हम सेवा नहीं करते हैं तो हमारा इस देश के ऊपर बड़ा हमारे ऊपर बड़ा कर्ज रहेगा इस देश का। शहीद भगत सिंह सेवा दल की मिशन की ये मुहिम सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस तक जारी नहीं है, गरीबों के लिए लंगर भी चलाए जा रहे हैं और जरूरतमंदों तक राशन भी पहुंचाने का काम हो रहा है। सेवा दल की 6 गाड़ियां और 48 स्वयंसेवक इस मिशन में लगे। एक तो हम लंगर सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं उन एरियाज में जहाँ पर लोगों के पास खाने का जो राशन वो समाप्त हो गया है, फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके घर तक हमें सामान पहुँचा सके, एटलीस्ट उनको खाने का सामान मुहैया कराया जा सके और सैनिटेशन का सामान जो है हाइजीन का वो मुहैया कराया जा सके, हमें फ्री में सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं हम। दिल्ली के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा जिले के DM ने कहा है कि समाज सेवा का ये मिशन शहीद भगत सिंह सेवा दल पिछले 25 साल से कर रहा है, लेकिन कोरोना पीड़ितों के लिए ये संगठन जो कर रहा है वो इंसानियत की एक नई मिसाल है। अतुल भाटिया, इंडिया TV, दिल्ली।